आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल माउथ वाटरिंग डिज़र्ट जिसके लाखों दीवाने हैं। स्विगी वाले अंकल तो याद ही होंगे आपको। जी हाँ, बिल्कुल, आज बनाने जा रहे हैं हम गुलाब जामुन। और हाँ, अभी ही मैं आप सबको बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो लास्ट तक वीडियो देखते ही नहीं हो, आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आने वाला हर एक दिन आप सबका खुशियों से भरा हो। ये वीडियो तो शायद एक दिन के बाद जाए, चलिए कोई बात नहीं, तो बिना समय गवाए चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम झा भानसपात में आप सबका स्वागत करती हूँ। इसे बनाने के लिए हमने लिया है गेट्स कंपनी का प्रीमिक्स पाउडर, और ये 200 ग्राम का पैकेट है। इसका हम हाफ लेंगे, मतलब 100 ग्राम के लगभग। दूध मैंने एक कप लिया है, और ये रूम टेम्परेचर पर है बिल्कुल, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म। 1.5 कप चीनी लिया है, 2 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है, और हाफ लेमन। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस भी हम देख ही लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर मैं इस कप से 1 कप पाउडर ले रही हूँ। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करेंगे इसे। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरीके से ये स्टिकी जैसा हो जाता है। तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं रेस्ट के लिए। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक पैन लेना है, या फिर एक आप कोई भी भगोना टाइप ले ले बर्तन, जो कि थोड़ा सा फैला हुआ हो, कि जब हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे और जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो उसे प्रॉपर जगह मिल सके। अब यहाँ पे देखिए, जो कप मैंने लिया है वो हाफ कप है, तो टोटल मैं यहाँ पर 2 हाफ कप, मतलब 1 कप और आधा कप, और यानी कि टोटल 1.5 कप यहाँ पर चीनी मैं डालूंगी। और अब इसमें जाएगा 1 कप पानी, और बस हमें फ्लेम को हाई करना है, और जो चीनी है उसे हम घुलने देंगे आराम से। और जब चीनी घुल जाएगी तो आप देखिएगा कि इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, चीनी हल्का घुलने लगा है। तो अब इसमें जो इलायची मैंने क्रश करके लिया था वो डाल दूंगी, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और जो हमने नींबू लिया था उसका रस इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, अगर सिरप में कुछ झाग जैसा बनता है या फिर कुछ भी गंदगी रहेगा तो वो निकल जाएगा, और आपका यह सिरप साफ कर देता है। अब बारी आती है चेक करने की कि यह तैयार होगा। वो हमें कैसे पता चले, तो जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो आप इस तरीके से, ये देखिए, आप अपने उंगली पर हल्का सा सिरप लेकर देखिए, तो एक तेल जैसा परत लगेगा आपको, चिकना सा। इसका मतलब कि ये रेडी है। तो अब गैस ऑफ कर देना है, और इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। तो अब चलिए, जो हमने रेस्ट होने के लिए रखा था उसे देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये पहले स्टिकी था, अब ये स्टिकी नहीं लगेगा आपको। तो अब हमें इसे कुछ देर अच्छे से मिक्स कर लेना है, गूंथ लेना है अच्छे से। बस इसका लॉजिक ये रहता है कि इसका जो डो हम तैयार करेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर आपको इसमें लगता हो कि इसे थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए तो आप 1-2 चम्मच दूध मिलाकर फिर से एक बार इसे अच्छे से आप गूंथ लें। अब इसे हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आपको जैसा गुलाब जामुन का साइज रखना हो आप उस तरह से इसे डिवाइड कर ले। अब क्या करना है, हथेली पर हल्का सा घी लगा लेना है। इससे जब आप इसके बॉल्स तैयार करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिकना बनकर तैयार होगा, क्रैक उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। हमें इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका बॉल बना लेना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर बॉल्स में क्रैक आ जाते हैं हल्का भी,
तो इससे क्या होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो जहाँ से क्रैक आया रहता है वहाँ से वो और ज़्यादा फट जाता है और हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनकर तैयार नहीं होते हैं। और इसी तरह आप सारे बॉल्स हम बना लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो तो आप किसी भी क्लॉथ से या फिर कॉटन कपड़े से बॉल्स को ढक कर रखें, वरना ये ड्राई हो जाएगा और जब फ्राई करोगे आप तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। ये देखिए सारे बॉल्स बनकर तैयार है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर कोई पैन या फिर कढ़ाई ले ले, और अब बस तेल को हल्का गर्म करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तेल का क्वांटिटी आप अच्छे से ले ताकि जो बॉल्स है पूरे तेल में कम्प्लीटली डूब जाए, इससे जामुन अच्छे से फ्राई होकर तैयार होगा। तो बस अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एक करके सारे जामुन तेल में डाल देना है। एक एक करके ही डालें, आप एक बार में ही ना डालें। कुछ देर तक आप इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, ये अपने आप अंदर से जैसे जैसे पकेगा ये ऊपर आता जाएगा। बस इस तरह से साइड साइड से हल्का आपको इस तरह से चलाना है। और आप देखेंगे कि एक एक करके अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे। इसे बहुत ही हल्के हाथों से चारों तरफ जामुन को आप इस तरह से हल्का हल्का चलाते रहिए ताकि इसमें हर एक तरफ से परफेक्ट कलर आए और ये चारों तरफ अच्छे से पक कर तैयार हो। अब जब इसमें हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हो जाए तब आप फ्लेम को हाई टू मीडियम रख ले और इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमें परफेक्ट कलर आने तक इसे पकाना है। और जब आपको लगे कि जामुन का परफेक्ट कलर आ गया है तब आप इसे तेल से बाहर निकाल ले किसी भी प्लेट में। यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन का परफेक्ट कलर आया है, तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और बस अब बारी आती है गुलाब जामुन को रसीला बनाने का। तो जो हमने सिरप तैयार किया हुआ है उसमें अब हम गुलाब जामुन को डाल देंगे। अब बस सबको हल्का सा इस तरह से चला ले और इसे हमें ढक के 30 से 45 मिनट के लिए साइड में रख देना है। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद ही, लगभग आधा घंटा के बाद ही ये देखिए परफेक्ट गुलाब जामुन बन करके तैयार हुआ। इसका टेक्सचर, इसकी साइज बिल्कुल परफेक्ट बना है। और सच कहूँ तो जैसे ही मैंने इसका लीड हटाया ना तो मुझे इसको देख के ही मुंह में पानी आ गया। तो बस इसे किसी भी प्लेट या बाउल में सर्व कर लीजिए। ऊपर से आपको गार्निश करना हो तो ड्राई फ्रूट से या फिर केसर से, जैसे भी आपको गार्निश करना हो कर लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल लग रहा है ना बाजार के जैसा। तो आप घर में कोई भी पूजा हो या फंक्शन या पार्टी हो, इस तरह से आप घर में ही गुलाब जामुन बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय लगता है बनाने में और बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा। बस कुछ टिप्स को आपको ध्यान में रखना है। जब तक आपने गुलाब जामुन तैयार किया है तब तक अगर आपका सिरप ठंडा हो गया हो तो इसे आप हल्का सा गर्म कर ले, क्योंकि जामुन को आपको हल्का गर्म सिरप में डालना है, तब वह जाकर जामुन के अंदर एब्जॉर्ब करेगा और फिर गुलाब जामुन का परफेक्ट टेक्सचर बनेगा। और चलिए अब हम एक काट करके भी देख लेते कि अंदर से भी ये बिल्कुल परफेक्ट बना है कि नहीं। ये देखिए ऊपर से ये तो बिल्कुल बढ़िया बना है, कलर भी अच्छा आया है और ये अंदर से भी उतना ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। या फिर आप देखते होंगे कि कभी कभी अंदर से गुठली जैसा रह जाता है जिनका अच्छे से नहीं बनता है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो आप इस तरह से टिप्स फॉलो करके घर में ही बनाइए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपके फेवरेट गुलाब जामुन का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं आपने किया है जाकर नीचे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और मेक श्योर कि आप बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल बटन आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज के नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।